गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ये वीडियो हमारे किस समय देख रहे हैं। वी हैव पार्थ, ऑल इंडिया थर्ड रैंक होल्डर फॉर सीए आईपीसीसी मई 2018। वी हैव स्वाति बंसल जिन्होंने फाउंडेशन में मई 2018 में फर्स्ट रैंक स्कोर किया है। एंड देन वी हैव दीपा, देन वी हैव दीपा विद अस हु हैज स्कोर्ड फर्स्ट रैंक ऑल ओवर इंडिया इन मई 2018। एंड वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटीज एंड वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, वी हैव सुनील केसवानी विद अस हु इज अ फैकल्टी मेंबर विद मी फॉर कास्टिंग एंड एफएम। सुनील सर, बहुत बहुत बार के आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट के लिए, हाँ इन लोगों को रिजल्ट रिजल्ट के मुबारक है, तो आपके आपको बहुत अच्छे मुबारक है, बार साहब को मुबारक है सर, इनको एक बार वेलकम कीजिए आप। वेलकम जी, वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशन जी पार्थ, ये आपको हमारी तरफ से ओके बहुत बहुत मुबारक है बेटा। सुनील सर, ओवर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल सर, दिस टाइम वी हैव अ रिकॉर्ड, ये फाउंडेशन फर्स्ट रैंक एज वेल एज आईपीसीसी फर्स्ट रैंक, बोथ आर विद अस, एंड kudos to Parth, all India rank third. As I say, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, this rank doesn't belong to the teacher, this rank ultimately belongs to the student. We are not entitled to claim any rank because it is their hard work which has resulted in so much, this much of fruit. So ultimately kudos to you, and I would like you to guide our friends, your friends, to help them so that they can score as you have done. You have scored amazing marks in certain subjects, I would say, obviously all subjects, but certain subjects especially has been very well, and further there are certain queries generally which comes up with the student, so I would like you to answer those queries. So sir, ek bar aap start karte hain question and answer form mein thoda sa, to zyada better rahega. ओके, एक और इसमें बहुत अच्छी सी चीज है, मैं चाहूंगा कि हम लोग इसका एक मुंह मीठा करवाएं एक बार। सुनील सर, इनके लिए एक छोटा सा केक मैं लेकर आया हूँ, केक कट करके मुंह मीठा करवाइए तीनों का। हाँ जी, केक कट कीजिएगा। अरे अरे, क्या हो गया? वेरी गुड, दिस इज केयर्स फॉर द सेलिब्रेशंस। सुनील सर, यहाँ पे स्पून्स है, स्पून से इनका मुंह मीठा करवा दीजिए आप तीनों का। दिस इज वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, दिस इज अ ड्राई केक, दिस इज नॉट अ क्रीम केक दैट वी हैव, वेरी वेल डन, बहुत बहुत बार के आपको मुंह मीठा कर रहे हैं, उसके बाद हाँ इसीलिए मैं ड्राई केक लेके आया कि आप इनको तंग ना कर सके, अदरवाइज आप मेरे को बताए आपका आप सबका हुलिया बिगाड़ देते हैं। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन जी। ओके जी, सबसे पहले आई स्टार्ट विद आर यंगेस्ट मेंबर ऑफ द टीम, वी हैव स्वाति विद अस। स्वाति, प्लीज अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड, थोड़ा सा अपना कॉलेज सब बताइए, आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, कॉलेज आपका क्यों कौन सा है, और आपने कौन से एग्जाम में कौन सा रैंक स्कोर किया है। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति बंसल, आई स्कोर्ड फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीए फाउंडेशन एग्जाम मई 2018 अटेम्प्ट। जैसा कि अभी सर ने बोला कि भाई ये बच्चों को बिलोंग करता है, लेकिन नहीं, इतना ही हाथ जितना बच्चों का है उतना ही टीचर्स का भी है, इनकी गाइडेंस के बिना इतना कुछ संभव नहीं हो पाता। ऑल इंडिया रैंक 1 दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द टीचर्स गाइडेंस। मैं बेसिकली हरियाणा के एक छोटे से टाउन से हूँ, कैथल, उसके पास में एक टाउन है राजौन, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एक शॉपकीपर है, मेरी मम्मा हाउस वाइफ है। करेंटली आई एम स्टडिंग इन किरोडिमल कॉलेज, आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफ बीकॉम प्रोग्राम। देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत सिंपल सी चीज है, स्टूडेंट्स हुआ कमिंग फ्रॉम सच अ हम्बल बैकग्राउंड, स्टूडेंट्स हुआ कमिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन्स, आई हैव सीन अ चेंज इन द पैटर्न। एक टाइम था जब हम लोग देखते थे रैंक होल्डर्स आर कमिंग फ्रॉम बिग
big towns. They are coming from Delhi, rank holders are coming from Bombay, Calcutta. But now, your rank holders are, they are coming from small towns. We have Swati who's from Kathal. Then we have Deepa with us, who is again from very small town in Haryana. And Haryana mein women empowerment ki hum log baat karte hain. Dono students jo first rank holders hain, they are from Haryana. Over to Deepa. Deepa se baat karte hain. Deepa hame batayenge. Deepa, aapne kaun se exam mein kaun sa rank score kiya hai? Aapke backgrounds kya hai? Kaun se college mein hai? Thoda sa students ko guide kare aapne bare mein. Hello everyone, this is Deepa Jain. I have secured AIR-1 in CAIPCC May 18 old syllabus. I'm from a small town based in Haryana. My father is a businessman and my mother is housewife. And I'm pursuing BCom Honours from Hansraj College. First of all, I would really like to thank my parents and teachers for always believing in me and motivating me and inspiring me. We have Parth with us. Parth is from Delhi. पार्थ से हम लोग पूछते हैं, पार्थ ने कौन से एग्जाम में कौन सा रैंक स्कोर किया है, कौन से कॉलेज में है, इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, जस्ट टू हैव एन आइडिया, और उसके बाद हम लोग अपनी बातों को और आगे बढ़ाएंगे यहाँ से. पार्थ, ओवर टू यू. थैंक यू. आई एम पार्थ गुप्ता. आई एम फ्रॉम दिल्ली. माय फादर एंड मदर बोथ आर सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली. एंड अबाउट माय रैंक, इट्स ऑल द क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स, माय टीचर्स, माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स, everyone, because they supported me at each and every time when I felt demotivated or when I doubted myself. They always said that yes, you can do, you can achieve a rank and you should give both groups together whenever I was doubtful about giving both groups. So thanks to their guidance that I am able to score all in the rank third. अच्छा, अब हम लोग पार्थ, दीपा और उनसे पहले स्वाति, तीनों से पूछते हैं इन्होंने अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कैसे करी थी. ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक स्कोर करना मेरे ख्याल से आप में से सभी स्टूडेंट्स का सपना है. सेकंड रैंक, थर्ड रैंक स्कोर करना सभी का सपना है. एक बड़ी कमाल की चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी, आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व किया होगा, दीपा का जो स्कोर है, शी हैज अ स्कोर ऑफ 570 आउट ऑफ 700. And the third rank is of Parth, who has scored 478. And surprisingly, there is a gap of 92 marks, almost 100 marks का gap है दोनों students के बीच में. And इतना बड़ा gap मैं recall नहीं कर पा रहा कि CA Institute के history में कभी भी इतना बड़ा gap first और second rank या third rank के बीच में रहा हो. अभी तक जो मैंने पिछले 14-15 साल के करियर में रिजल्ट्स देखे हैं, उसके अंदर जो गैप्स रहते हैं वो गैप्स बहुत कम, दो नंबर, तीन नंबर के गैप्स रहते हैं बिटवीन रैंक्स. सो दिस टाइम दीपा हैज परफॉर्म्ड इन अ मैनर, इसने सारे के सारे अपने जो स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पिटिशन था, जो रैंक होल्डर्स, उनको बहुत पीछे छोड़ दिया. तो दीपा, ये कैसे हुआ? ये उसेन बोल्ट वाली जो आपने रेस दौड़ी है, एंड आई रिमेम्बर 2008 बीजिंग ओलंपिक, जहाँ पे उसेन बोल्ट ने वो 100 मीटर की रेस दौड़ी थी, और वो फाइनल्स में 100 मीटर की रेस दौड़ते हुए जरा सा पीछे मुड़ के देखा था, और 20 मीटर पीछे तक कोई था ही नहीं. एंड बिल्कुल वैसे ही उसेन बोल्ट की रेस दीपा ने इस बार दौड़ी है. 92 मार्क्स का गैप, इट्स अ बिग. दीपा, दो गरीब बच्चे 92 मार्क्स में पास हो जाते, आपने तो 92 मार्क्स की इतनी बड़ी लीड ले ली. अच्छा, ये थर्ड रैंक के साथ 92 मार्क्स की लीड है. जो सेकंड रैंक है, कृष्णन, आई होप यू आर देयर, यू आर लिसनिंग टू दिस, एंड आई हैड अ वर्ड विद यू कृष्णन, एंड इट वाज अ वेरी वेरी एंजॉयबल मोमेंट फॉर मी व्हेन आई हैड अ वर्ड विद यू फॉर गुड हाफ एन आवर, एंड कुडोस टू यू. लेट मी टेल एवरीबॉडी अबाउट कृष्णन. कृष्णन इज मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम द बैकग्राउंड, एंड उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद इंफोसिस में जॉब किया. ही ड्रॉप्ड द जॉब ऑफ इंफोसिस एंड देन ही स्टार्टेड विद सीए, एंड ही स्कोर्ड सीए रैंक नंबर 2 इन ओनली 1 ईयर, शिफ्टिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड कमिंग टू द कॉमर्स बैकग्राउंड एंड देन स्कोरिंग रैंक इन ओनली 1 ईयर. कुडोस टू यू बेटा, वेरी वेल डन, बेस्ट लक फॉर द ब्राइट फ्यूचर कृष्णन. एंड कृष्णन के स्कोर के साथ में अगर हम लोग दीपा के स्कोर की बात करें, तो ही हैज स्कोर्ड 507 मार्क्स, 570, still a gap of 63 marks. Third rank के साथ में gap of 92 marks.
taking nothing away from Parth, taking nothing away from you, but Deepa, over to you. ये इतना बड़ा gap कैसे किया आपने? Thank you, sir. एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट करूंगी, सबसे पहली चीज जो आई वुड सजेस्ट इज कंसिस्टेंसी. आपको हर रोज क्लास में रेगुलर होना होगा और आपको डिले नहीं करना चाहिए. मैं हर रोज क्लास में रेगुलर थी, हर रोज का होमवर्क हर रोज करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड द सेकेंड थिंग वॉज टाइम मैनेज. अगर आप टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना सीख जाओगे तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस करना होगा. तो मेरा टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी वॉज कि मैं हमेशा सुबह अपना एक टाइम टेबल प्रिपेयर करती, हर सब्जेक्ट के लिए हर टॉपिक मेरा पूरा प्रॉपरली प्लान रहता था. तो बिफोर गोइंग टू स्लीप आई यूज टू मेक श्योर कि मैंने जो प्लान किया है मैं उसे टिक करूं कि मैंने किया है, बिकॉज वो आपको मोटिवेट करता है हर रोज कि हाँ आपको करना है. तो आई गेस ये टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बहुत ही एक सिंपल टेक्निक है और आपको ये सक्सीड करने में बहुत हेल्प करेगा. तो मेरी एक सिंपल स्ट्रेटजी थी जिसके कारण आज मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई हूँ. तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी. थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए मैं बोलूंगी आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, बिकॉज होता क्या है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बट एट द एंड याद ही नहीं रहता है, जो स्टूडेंट्स की मेन प्रॉब्लम होती है. तो मैं उसके लिए आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बुक नहीं दोबारा पढ़ सकते हो, बट अगर आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स होंगे तो आप बहुत कंसाइज मैनर में बना सकते हैं. आप हर 15 डेज में अगर उन्हें गो थ्रू करेंगे तो आप बहुत ईजिली रिमेम्बर करोगे और एट द एंड स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है. और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आई वुड सजेस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का ऑडिट ना करें, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकल की तरह पढ़ें. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिस चाहिए होता है, तो आई वुड सजेस्ट आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें. मेरा यही स्ट्रैटेजी था और आप सबको मैं यही सजेस्ट करूँ. थैंक यू फॉर योर दीज वर्ड्स पार्थ. आपने कैसे किया? अच्छा दीपा, एक चीज मेरे को ध्यान आती है, आपने कहा कि हैंड रिटन नोट्स फॉलो करें. एंड आई रिमेम्बर कि जब आपने हमारे यहाँ पे ज्वाइन किया था तो हम लोगों ने इनकम टैक्स और जीएसटी, स्पेशली विद जीएसटी, हम लोगों ने सारी चीज़ें अपने हाथ से नोट्स बनाया था, इफ़ यू रिमेम्बर. तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. आई डू अंडरस्टैंड कि अपने हाथ से नोट्स बनाने, एक एक चीज़ के हाथ से नोट्स बनाने, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. बट अभी टाइम लगा दो ताकि बाद में जो है वो इजी रहे. कोई भी व्यक्ति जब मिलिट्री ट्रेनिंग करता है, मिलिट्री की ट्रेनिंग्स होती हैं, तो मिलिट्री ट्रेनिंग्स में हमेशा एक बात बोली जाती है, द मोर यू स्वेट द लेस यू ब्लीड. इसको हिंदी में अगर मैं बोलूं कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपको वहां पे रिजल्ट्स मिलेंगे. द मोर यू स्वेट द लेस यू ब्लीड, दैट वाज अ पॉलिसी दैट आई हैड फॉलोड विद माय स्टूडेंट्स. और फ्रॉम डे वन हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स क्लास में इंकरेज किए हैं. मैंने इनकम टैक्स और जीएसटी के सारे एक एक वर्ड के हैंड रिटन नोट्स दिए हैं. मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा अच्छा और पार्थ और दीपा इसके बारे में आपको बता पाएंगे. टाइम मैनेजमेंट की बात, आई स्टिल रिमेंबर दीज टू स्टूडेंट्स कमिंग टू मी फॉर द क्लासेस. और हम लोगों ने जब इनके साथ टाइम टेबल्स बनाए थे, they were occupied in the colleges, and हम लोगों ने जब टाइम टेबल्स बनाए थे तो we had suggested them to go for video classes for some of the topics and to go for the face-to-face classes or for live classes for some of the topics. पार्थ इसके ऊपर हाईलाइट करेंगे. हम लोग सारी क्लासेस, लाइव क्लासेस किसी सैटेलाइट कंपनी की या फेस टू फेस क्लासेस हम लोग सारी अफोर्ड नहीं कर सकते. ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज्यादा लगता है. अगर आपको वो ट्रैवलिंग टाइम कट डाउन करना है तो यू नीड टू शिफ्ट to the other means of the studies. Time बदल रहा है, हमें अपने आप approach को बदलना होगा. Let us have a word with Parth. Parth, आप इसमें थोड़ा सा students को और guide करें. जो सर मेरी strategy रही थी वो थी CPTGG. C for consistency, P for practice and T for time management. Double G जो था वो था good company. जैसे Deepa was my friend in my group. आपने के good AIR 1 और AIR 3. मतलब गुड कंपनी से काफी फायदा हो जाता है. अब अगर दीपा मुझे बताया कि ये सब पढ़ना है तो उसकी सजेशन से मैं भी पढ़ने बैठ जाऊंगा कि हाँ ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये सब करना चाहिए. एंड सेकंड जी फॉर गाइडेंस, जो आपके सर आपको गाइडेंस दे, टीचर्स आपको गाइडेंस दे, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है क्योंकि दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइक पास्ट 20 years 15 years. वो एक्सपीरियंस से आप काफी कुछ सीख सकते हो. द की टू सक्सेस इज नॉट ओनली टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स बट ऑल्सो फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, तो वो बहुत जरूरी है. अब रिगार्डिंग क्लासेस, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स की पेनड्राइव ली थी टाइम बचाने के लिए एंड कुछ सब्जेक्ट्स फेस टू फेस. फेस टू फेस बहुत जरूरी है क्योंकि उससे आप
आप सब्जेक्ट में एक इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो और आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। आप मतलब आपको टीचर देखकर पहचान सकता है कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो किस में स्ट्रांग हो। एंड पेन ड्राइव इसलिए क्योंकि अब मेरा कॉलेज शुरू हो गया था तो आई नीड टू सेव टाइम, तो इसलिए पेन ड्राइव ले ली थी। बट फेस टू फेस सेफ हुआ था आई वाज इन टच विद माय टीचर्स, सो इनसे व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछने में आई डिडंट यूज टू फील अ हिचअप कि यार पूछूं नहीं पूछूं, सो दे वर ऑलवेज ओपन टू मी, सो उससे भी बहुत फायदा हुआ था। सो दैट्स ऑल आई वुड से कि हाँ ये सब दैट व्हाट अ डिफरेंस टू माय। जैसे कि अभी दीपा ने हमें बताया कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का ऑडिट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उसको एक्चुअली प्रैक्टिकल की तरह फॉलो करके उसकी रिग्रेस प्रैक्टिस करके उसको एग्जाम देना चाहिए। मैं दीपा से जानना चाहूंगा कि शी हैज स्कोर्ड 97 मार्क्स इन कॉस्ट एफएम, उसके पीछे उसकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, और सिमिलरली पार्थ हैज स्कोर्ड 89 मार्क्स इन द सेम सब्जेक्ट, तो ये दोनों आपके साथ इस सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। जैसे सर ने बताया मुझे कॉस्ट एफएम में 97 स्कोर हुआ है, तो उसके लिए मैं पूरा क्रेडिट सुनील सर को दूंगी। सर ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, हमेशा बोला है कि मुझे तुझसे रैंक चाहिए, और सर उन वर्ड्स ने सीरियसली मुझे बहुत मोटिवेट किया है, सो थैंक यू सर। और मैंने जैसे पहले कहा था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का ऑडिट ना करें, तो सर बहुत होमवर्क देते थे, तो अगर वो होमवर्क भी आप हर रोज सर नहीं सर आज उसी ने इतना हेल्प किया है कि मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाई हूँ कॉस्ट में। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि जो टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं वो आप टाइम से कंप्लीट कीजिए। जो सर टेस्ट लेते हैं आप उसे देंगे, फिर उसका आप अगर सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे तो बहुत हेल्प करेगा, बहुत डिफरेंस लाएगा। और अगर आपको है इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी, जैसे एक चैप्टर हुआ उसके बाद इंस्टीट्यूट का मटेरियल से भी प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज जो मैं सजेस्ट करूंगी, आप किसी भी क्वेश्चन में अगर डिफिकल्टी फेस करते हैं तो उसे स्टार मार्क कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो कोई यूज नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस दोबारा कर रहे हैं, और इतना टाइम भी नहीं होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम में स्टार मार्क करें कि ये डिफिकल्टी था, और जो भी आपको ट्रिक लगता है उसे नोट डाउन कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बहुत यूजफुल हो, आप इस हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो मैं दीपा की बात से एग्री करूंगा, हमें इतना होमवर्क मिलता था क्या बताऊ मैं, जैसे क्लास में 10 क्वेश्चन तो घर पे 20 क्वेश्चन, तो वो बहुत डिफरेंस था, वो बहुत डिफरेंस लाया। हम रेगुलर थे तो इसलिए हमने वो क्वेश्चंस करते थे, और फिर आकर डाउट भी पूछते थे, और सर वो सॉल्व भी करते थे। सर को पता था कौन से क्वेश्चन में डाउट आने वाला है, तो पहले रखते थे कौन सा क्वेश्चन है तो पहले बता, अगर वो क्वेश्चन है सर का आंसर रेडी रहता था कि इस क्वेश्चन में इस पॉइंट पे डाउट है तो वो मैं बताता हूँ, एक चीज ये। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर सर के साथ एक फायदा ये था, सर ने हमारे को हमारे नोट्स में पीटीएस लिखवा रखे थे, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो ट्रिक लाई करती थी। कॉस्ट इज वेरी डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट, कॉस्ट में ये कि ना आपको हर एक क्वेश्चन में एक डिफरेंट ट्रिक मिलती है, तो सर ने पीटीएस की हमें नोटबुक बनवाई थी, पीटीएस इज पॉइंट टू रिमेंबर्स, उसमें हर एक क्वेश्चन का एक ट्रिक, तो वो ट्रिक हमने लास्ट के एक दिन में हमें जब हमने पढ़े तो उसमें बहुत हेल्प हुई, क्योंकि एक दिन में आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, तो आप वो पीटीएस पढ़ के जा सकते हो। और तीसरी चीज प्रैक्टिस, आप ऑडिट मतलब अगर क्वेश्चंस की आप ऑडिट करोगे तो आप रिटेन नहीं कर सकते, यू हैव टू डू इट बाय हैंड्स, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक मार्क करना, सो दैट्स ऑल द फंडामेंटल्स जो जिनके कारण हम स्कोर कर पाए। मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा, जसप्रीत सर से क्लासेस लेने का फायदा था, सर ना क्लास में नोट्स लिखवाते थे सारे नोट्स क्लास में, तो उससे फायदा हुआ मुझे नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो उससे मैं बहुत टाइम बच गया, मैं टैक्स में और ज्यादा टाइम रिवाइज कर पाया, क्योंकि मेरे पास नोट्स तैयार थे तो मुझे नोट्स वापस बनाने नहीं थे, मैं नोट्स से वापस पढ़ता था, और क्वेश्चन भी सर क्लास में करवाते थे, एग्जाम्पल्स अपने लिखते थे सर की ये पीएम के क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन सर क्लास में ही करवाते थे, तो उससे मेरा काफी टाइम बचा और बहुत हेल्प मिली। मैं ये बोलूंगी सर की क्लासेस का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि सर सारे कंसेप्ट को इतना इजीली समझा देते हैं कि कोई कंसेप्ट मुश्किल लगता ही नहीं है। सर क्या करते हैं, सर बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हैं, और लाइक क्लास का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑन द स्पॉट, और उनसे कंसेप्ट को समझने में बहुत आसानी होती है। और लाइक सर नोट्स में लिखवाते हैं तो जब आप बाद में भी पढ़ते हैं उस एग्जाम्पल को रिकॉल करके कंसेप्ट इतना ईजिली याद आ जाता है, तो इसके लिए थैंक यू सर, आपने कंसेप्ट इतना ईजी करवा दिया था। Thank you for your kind words. We have Swati Bansal with us. Swati ने foundation के अंदर first rank score किया है. Swati, आपकी क्या strategy रही? आपने कैसे मेहनत करी अपने subjects के ऊपर? आप उसके बारे में students को बताएं, क्योंकि foundation का first rank और उसके बाद intermediate का first rank, दोनों students first rank holders साथ में बैठे हुए हैं, हम लोग definitely इनके experience से बहुत कुछ gain कर सकते हैं। एक बार स्वाति से पूछो, स्वाति आपने अपने सर्वे सब्जेक्ट्स के लिए कैसे तैयार किया था?
Most of the points are covered by my seniors already. That is consistency, time management, good company and guidance. Basically, मैं एक और चीज इसमें add करना चाहूंगी कि आप revision दोबारा again and again करें. आप ये ना सोचें कि एक बार कर लिया है तो दोबारा क्यों करूं? दो बार कर लिए तो तीसरी बार क्यों करूं? आपके पास जितना भी टाइम है, तीन बार, चार बार, पांच बार, इवन 10 times, 12 times करें. आप concise notes बनाएं, जैसे कि seniors ने अभी बोला, उन्हें अगेन एंड अगेन करें. ये नहीं कि दो बार हो गया, अब तीसरी बार करने की कोई जरूरत नहीं. बेसिकली मैंने इसी स्ट्रेटेजी को सबसे ज्यादा फॉलो किया है कि एक चीज को बार बार किया और कहीं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस. बेसिकली लाइक जो फाउंडेशन में मैथ्स है, उससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, उसकी मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है. ना ही सिर्फ आईसे मॉड्यूल से, सीपीटी स्कैनर से भी. हालांकि फाउंडेशन स्कैनर नहीं था तो सीपीटी स्कैनर से, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, रिविजन टेस्ट पेपर जो आईसीआई ने वेबसाइट पर डाले थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे मॉक टेस्ट एंड रिविजन टेस्ट पेपर, वो सभी मैंने प्रैक्टिस किया है. बाकी सीनियर्स ने सभी पॉइंट्स बता ही दिए हैं और मुझे भी बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है सर कि मैं आज इतनी बड़ी हस्तियों के साथ यहाँ बैठी हूँ. नहीं, ये लोग मुझसे ज्यादा इंस्पायरिंग है मेरे लिए भी कि आज आईपीसी के रैंक होल्डर मेरे साथ हैं. मैं उनसे कुछ बिल्कुल गाइडेंस लूंगी, उनसे मैं सीखूंगी कि मैं भी आगे अच्छा कर सकूं. तो थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू. अच्छा, एक मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के बीच में चलता है अक्रॉस इंडिया, बीट स्टूडेंट फ्रॉम कलकत्ता, बी द स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब और लेटेस्ट से फ्रॉम साउथ इंडिया बॉम्बे साइड, कि अगर हम लोग सीए कर रहे हैं तो हम लोग रेगुलर कॉलेज नहीं कर सकते. एंड आप देखिए, वी हैव ऑल थ्री स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम रेगुलर कॉलेज. दीपा इज फ्रॉम हंसराज कॉलेज इन दिल्ली, स्वाति इज फ्रॉम करोडीमल कॉलेज इन दिल्ली, then Parth is again from Hansraj College in Delhi. If I'm not wrong, and do correct me if I go wrong, I think Deepa and Parth, they are also the classmates in the college. Yes, you are the classmates in the college. And in logo ka aana jana bhi ikattha rehta tha. They used to have a very good company, aana jana hamesha ikattha tha. College ka atmosphere kitna aapko help karta hai CA ke liye, aur kya college ek hindrance ban jata hai CA ke liye? Main please ek bar iske bare mein bataiye, kyunki bahut. अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग से बात बताता हूँ. आई मैनी टाइम्स गेट अ स्टूडेंट्स जो कहते हैं, सर आई हैड स्कोर्ड दिस परसेंटेज, आई गॉट एडमिशन इनटू दिस कॉलेज बट आई ड्रॉप्ड आउट. मैंने पूछा, भाई क्यों कॉलेज को छोड़ दिया? मैंने सीए करना था जी, इसे छोड़ दिया. माय स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन दैट स्टूडेंट्स कैरी, दैट अगर मैं कॉलेज कर रहा हूँ तो मैं सीए नहीं कर सकता. आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, आपको कॉलेज भी जाना है, आपको सीए की पढ़ाई भी करनी है. डेफिनेटली यू कैनॉट गो टू एवरी क्लासरूम, एवरी कोचिंग इन द क्लासरूम, यू कैनॉट गो टू एवरी लाइव सेशन ऑफ द क्लासेस. आपको कुछ क्लासेस अपने घर पे करनी होंगी, कुछ आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी. इन लोगों ने कैसे मैनेज किया है अपने कॉलेज के साथ, पहला क्वेश्चन, क्या कॉलेज वॉज अ हिंड्रेंस? इफ येस तो कैसे कोप अप किया, इफ नो तो क्या सपोर्ट मिला? Let us have a word from Deepa first, और यही क्वेश्चन मैं तीनों से पूछूंगा इसके बारे में. मैं यही कहूंगी कि कॉलेज ने बिल्कुल भी कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं किया था. मुश्किल था दोनों चीज करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था. और कॉलेज के टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, कॉलेज ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जिसके कारण हम सब कुछ मैनेज कर पाए. और फिर से मैं टाइम मैनेजमेंट पे ही फोकस करूंगी. अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, टाइम को प्रॉपरली मैनेज करोगे, तो आप दोनों चीज कर सकते. मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, कॉलेज से ड्रॉप आउट मत करो. कॉलेज का खुद का लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा. हाँ, और मैं भी एक रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट थी, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भी ऑब्स्टिकल हुआ. मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, एक अच्छा एक्सपीरियंस है और जितना हार्डवर्क करोगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा. तो हार्डवर्क से बिल्कुल भी ना पीछे हटे, दोनों चीज आप कर सकते. यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. सर बिल्कुल वो हिंड्रेंस तो बिल्कुल भी नहीं है. मैंने बिल्कुल रेगुलर कॉलेज लिए, इवन एक दिन भी एक लेक्चर भी नहीं छोड़ा. और आज मैं अगर सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं आई एम इंटरप्टिंग स्वाति. स्वाति को आज हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया एंड शी वॉज लाइक, नहीं सर मैंने नहीं आना, मेरा कॉलेज मिस हो जाएगा. स्वाति एंड शी वॉज लाइक, मेरा कॉलेज मिस हो जाएगा. एंड आई रिक्वेस्टेड हर कि प्लीज आज का एक दिन और मिस कर दो. अगर कोई प्रॉब्लम होगी कॉलेज के अंदर तो I may provide some support in the college. मैं कॉलेज के professors को थोड़ा सा जानता हूँ, मैं उनसे बात करके आपका आपको वहाँ पे भी support provide कर दूँगा. But that is the way the life goes. आपको balance बनाना होगा दोनों तरफ. Over to Swati. I'm sorry to interrupt. मैंने Swati को interrupt किया. Swati, आप कुछ कह रहे थे?
यस सर, मैं कह रही थी कि हिंड्रेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, व्हिच इज इवन सपोर्टिंग ही है. और ज्यादातर बच्चों का डेली यूनिवर्सिटी में अगर बच्चे सीए, बहुत बच्चे करते हैं, एक प्रॉब्लम रहता है कि सर जो टाइम टेबल है कॉलेज का वो गैप है बीच बीच में, तो बहुत मॉर्निंग से शुरू होकर इवनिंग में खत्म होता है. मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है. तो आपको क्या करना, आप एक बुक लेके जाएं, पिक अ कॉर्नर एंड सिलेक्ट अ कॉर्नर एंड बाय सिटिंग देयर यू कैन स्टडी. आप बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल गॉसिप्स में इंडल्ज ना करें अपने आप को. बुक लेके जाएं, चलो आपको लगता है कि बुक से आप नहीं पढ़ सकते, कोई लेक्चर सुन ले वहां पे बैठ के अच्छे से मोबाइल से. आप गाने वाने तो सुनते ही हैं, उसकी जगह आप कोई लेक्चर सुन ले, वो ज्यादा हेल्पफुल होगा यूट्यूब से. इसलिए तो इंडेंस नहीं है, और टाइम को यूटिलाइज करें तो कोई भी चीज ऑब्स्टेकल तो बन ही नहीं सकती, और कॉलेज तो बिल्कुल ही नहीं. आपने अगर डेली यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी परसेंटेज के साथ एडमिशन लिया है और आप ड्रॉप आउट कर रहे हो, तो आप अपने आप को ही चीट कर रहे हो. रियली इट वॉज नॉट अ हिंड्रेंस. मेरे लिए तो कॉलेज एंड सीए बोथ मेड अ परफेक्ट इकोसिस्टम, बिकॉज सीए का आप पूरा टाइम पढ़ नहीं सकती, यू नीड समवट रिफ्रेशिंग मोमेंट्स. अब कॉलेज जाकर दोस्तों के साथ मिलना, गप्पे लगाना थोड़ा बहुत ही, मतलब ज्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत ही गप्पे लगाना, दैट यूज टू मेक योर माइंड रिफ्रेश्ड. आपको और जो शतरंज पढ़ने का, प्लस हमारे कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं, तो लेक्चर्स में आप पढ़ते थे, तो आपको रियलाइज नहीं हो रहा, पर आप सबकॉन्शियसली आप मल्टीपल टाइम्स रिविजन कर रहे हैं, बिकॉज बी कॉम ऑनर्स एंड सीए बोथ have same syllabus. They are not like against each other, they are complementary to each other. So isliye matlab I found really helpful in attending colleges. Attendance hamari achhi thi, halanki hum sari class to attend nahi kar pate the, but ha attendance bhi achhi thi and maza bhi aata tha college attend karne mein. Plus ye up down karne ka ek alag, matlab ha thoda struggle lagta tha, but baad mein you get used to it aur maza bhi aata fir. So for me college was perfectly supportive for CA. मेरे को आज भी याद है, वी हैव अ अर्ली मॉर्निंग सेशन, तो पार्थ हमेशा कहता था सर जल्दी छोड़ दो मेरे को कॉलेज जाना है. ही हैज टू गो कॉलेज डेली, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो वहां जाके क्या करेगा वो कोई मतलब नहीं है, बट इसको कॉलेज डेली जाना होता था जस्ट टू गेट इट रिफ्रेश्ड. और मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई करते टाइम भी, वंस यू आर एट होम, जब आप एग्जाम से पहले भी पढ़ रहे होते हैं, देन ऑल्सो यू रिक्वायर सम काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट, चाहे वो वॉक हो, जॉगिंग हो, आपको गाना सुनना पसंद है, कुछ भी, वॉट एवर. आप ये सोचोगे कि आप अपने आप को लॉक करके एक रूम में पढ़ना शुरू कर दोगे, आपकी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, आई डोंट फाइंड इट. मतलब मैंने तो हमेशा से इनको ही समझाया था कि एट मैक्स, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एट मैक्स एक बच्चा दिन में, अगर इफेक्टिवली बात करूं, इफेक्टिवली 11-12 घंटे इज द मैक्स, मतलब वो मैक्स है. हाँ, बाकी आप किताब लेके बेटा 24 घंटे बैठे रहो तो उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, बट इफेक्टिवली यू कैन पुट अप, मतलब मैक्सिमम 10-12 आवर्स. ठीक है, एंड आप बताओ आपने कितने टाइम लगाया था. मैंने भी 10-12 आवर्स ही किया था, बिकॉज लोग क्या करते हैं ये सुन के कि सिर्फ 6 घंटे सोना है, वो भी यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, बट मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ. एक प्रॉपर स्लीपिंग साइकिल सबका डिफरेंट होता है, देयर इज नो यूज कि आप टाइम से जल्दी उठ के ना पढ़ पाते हो ना सो पाते हो. इससे बेटर है इफेक्टिवली प्रॉपर सोए, और जब उठे तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन से आप पढ़ पाए. तो इफेक्टिवली मैं भी 11-12 आवर्स ही पढ़ पाई थी, और वो ज्यादा बेटर होता है. वैसे मेरी कोई स्टडी टाइम ऐसा फिक्स नहीं था, भाई 2 आवर्स पहले अकाउंट्स, फिर 2 आवर्स लो, और मतलब अगर आप एवरेजली बात करें तो यू कैन से आई स्टडीड इन अ डे 10-12 आवर्स इन एट एवरेज. बट आप ना ऐसे नहीं सोचे कि भाई एक ऐसा भी टाइम टेबल बिल्कुल सेट ना करें कि आप बिल्कुल ही उसे स्टक हो जाएं कि 2-4 हमें अकाउंट्स करना है, फिर 4-6 थोड़ा हमें लो करना है, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक. हाँ बिल्कुल ऐसा ना, लाइक इज मेरी अगर मेरी रात को भी 3 बजे आंख खुल गई तो बुक उठा ली, नींद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, दिन में सो जाएंगे जब नींद आएगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं था. सोने का भी कोई फिक्स नहीं था, पर जब नींद आती थी तब सो भी जाते थे, जबरदस्ती नहीं बैठती थी बिल्कुल भी. इसलिए जो मेरा शेड्यूल रहा है वो है 10-15 आवर्स. 10 आवर्स इनिशियली, मतलब 3 मंथ्स लास्ट के 10 आवर्स, एग्जाम्स के टाइम पे जब थोड़ा प्रेशर आ गया तो 15 आवर्स भी स्ट्रेच हो जाता था. स्लीप तो 7-8 आवर्स, और एग्जाम्स के टाइम पे कभी कभी 6 आवर्स सो गया था, क्योंकि तब डर लगता था कि यार बहुत सारा बच्चा है. बट इससे ज्यादा, इससे कम कभी किया ही नहीं, मतलब हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, क्योंकि अगर हेल्थ ही आपके साथ ना रहे तो आप एग्जाम क्या दोगे. प्लस मील भी मैं काफी कॉन्शियस था, अपना लाइट मील लगता था जिससे रात को नींद ना आए, मतलब खाना भी हेल्दी खाता था, और घर वालों ने सपोर्ट किया कि आप जब ये डाइट अब कुछ बाहर का नहीं मिलेगा, 3 महीने भूल जा उसके बाद खाएंगे सब. तो उसमें काफी हेल्प, उसने भी काफी हेल्प किया, बादाम तो खाना जरूरी है ही सुबह उठकर, तो वही रहा था बस.
अच्छा मेरे को आप लोग एक चीज ये बताओ, स्टूडेंट्स का अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्लासरूम में पढ़ते हैं जाके, और स्टूडेंट का अपने टीचर के साथ ना तो क्लासरूम में इंटरेक्शन हो पाता है, ना उसके बाद वो फोन रिसीव करते हैं, ना व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई करते हैं, तो ये सपोर्ट सिस्टम जो टीचर के साथ एक स्टूडेंट का होता है ये कितना जरूरी है। पार्थ, आई स्टिल रिमेम्बर एंड प्लीज डू टेल स्टूडेंट्स अबाउट दिस थिंग। जब हमारी शाम को क्लासेस खत्म होती थी, शाम को 8 बजे या 8:30 बजे, तो देर हैव बीन सर्टेन ओकेशंस, नॉट मेनी ओकेशंस बट अ कपल ऑफ टाइम्स व्हेन वी हैड ट्रेवल्ड टुगेदर इन अ कार। हम दोनों ने एक बार साथ में कार में ड्रॉप किया, और हम लोगों ने, मेरे को याद आता है एक बार हम लोगों ने कार को अलग से साइड पे खड़ा करके वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन कि क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। तो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ अ स्टूडेंट एंड अ टीचर शुड ऑलवेज बी देयर, बी इट फेस टू फेस साथ में बैठ के, बी इट ऑन टेलीफोन, बी इट ऑन व्हाट्सएप, कुछ भी ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो जो कि मेरे ख्याल से आज की डेट में लैक कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। तो मैं सभी से पूछूंगा, आई स्टार्ट फ्रॉम स्वाति, स्वाति से पूछूंगा, स्वाति आपको हम अपने फैकल्टी मेंबर से सपोर्ट सिस्टम मिला नहीं मिला, मिला तो किस लेवल तक जाके मिला? यस सर, बिल्कुल, एक बच्चे का टीचर से बहुत अच्छा इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। लाइक इसकी मैंने बिल्कुल कोचिंग ली थी ज्ञान गुरुकुल से, तो मेरा बिल्कुल, मैं ओपन थी टीचर्स के साथ। जो बच्चे ओपन नहीं होते ना ही तो वो डाउट्स क्लैरिफाई कर पाते हैं, उनके डाउट्स भी मन में ही रह जाते हैं, उन्हें डर लगता है मे बी टीचर विल नॉट आंसर या उन्हें रिस्पॉन्स नहीं करेंगे अच्छे से, लेकिन वही बच्चे अपने डाउट्स भी क्लैरिफाई करते हैं और आगे भी निकल जाते हैं जो अपने टाइम टू टाइम टीचर से अच्छा इंटरेक्शन रखते हैं, उनसे अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं। और टीचर वैसे वो किसी को भी मना नहीं करते, चाहे कोई भी उनके पास आ जाए डाउट लेकर, लेकिन ये बच्चों की मेंटेलिटी है कि हमें टीचर्स के पास नहीं जाना, वो ही थोड़े इंट्रोवर्टिक पे नहीं, हमें टीचर से इंटरेक्शन नहीं करना। लेकिन मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, सर ने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि बच्चों को क्रेडिट जाता है, लेकिन नहीं, मैंने बताया था कि टीचर्स को भी उतना ही बल्कि उससे ज्यादा क्रेडिट जाता है, बच्चे अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए अगर टीचर्स का सपोर्ट मेरे साथ नहीं होता, ज्ञान गुरुकुल का सपोर्ट मेरे साथ नहीं होता, तो इतना तो बिल्कुल ही अचीव नहीं हो पाता। मैं तो ये बोलूंगा हर एक चंद्रगुप्त मौर्य को उसको एक चाणक्य चाहिए होता है। तो टीचर का रोल तो बहुत ही जरूरी है। लाइक जैसे प्रायर टू थ्री, मतलब एग्जाम से 3 मंथ्स पहले मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे प्रोसीड करूं अपने सिलेबस का, बिकॉज एक टाइम हमने सारी क्लासेस में पढ़ लिया, रेगुलर कर लिया, अब कैसे अपना टाइम बांटू। तो तब भी जसपीर से बात हुई थी कैसे करना है क्या करना है, तो उन्होंने मुझे बताया कि पार्थ इन सब्जेक्ट पे पहले फोकस कर, जो नोट्स है वो पढ़, उसके बाद इन सब्जेक्ट में जाए, ऐसे पढ़ और वैसे पढ़, तो उसने काफी हेल्प की है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, हमारा 11th मई को एग्जाम क्लैश करा था, तो मैं बहुत डाउटफुल था क्या करूँ, तो मैंने सुनील सर को फोन किया था, क्योंकि एक पेपर कॉस्ट का था कॉलेज का। तो सुनील सर ने कहा बेटा, तो मैंने कहा कि सर मैं मिस कर दूँ, तो सर ने कहा पागल है क्या, जब तू दोनों क्लियर कर सकता है तो दोनों देना। तो मैंने कहा सर वो रिविजन और वो सब, तो सर कहते उतना मत सोच, मैं तुझे जानता हूँ, मुझे तेरी एबिलिटीज पे भरोसा है और तू कर सकता है। सर ने कहा कि तू दे करो देख एक बार, और फॉर्चुनेटली मैंने दोनों क्लियर कर लिए थे, तो दैट लाइक मोटिवेट्स यू कि हाँ, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता कि अगर सर कह रहे कि मुझे तेरी एबिलिटीज पे भरोसा है तो यू फील कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, तो दैट वॉज ऑल्सो हेल्पफुल। मुझे भी लगता है कि टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर टीचर आपको पर्सनल लेवल पे जानता है तो आपको खुद से ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा, आपको अपनी उसकी मतलब आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस ज्यादा अच्छे से बता पाएगा, और कैसे हम अपनी वीकनेस को ओवरकम कर पाएंगे उससे इतने अच्छे से गाइड कर पाते हैं। हमेशा मुझे हमारे टीचर्स ने कहा है कि आपको रैंक लानी है, और वो इतना मोटिवेटिंग वर्ड्स थे कि आज मैं सही में रैंक ला पाई हूँ। तो आई गेस टीचर्स के साथ पर्सनल इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है, और जैसे पार्थ ने कहा 11th को हमारा पेपर क्लैश हो रहा था, तो टीचर्स ने ही हमें इंस्पायर किया, बिकॉज ये एक बहुत पहले से हमें डर लग रहा था कि हम दो पेपर फुल फ्लेज्ड पेपर्स थे दोनों, हम एक ही दिन में कैसे दे पाएंगे। तो आई गेस वो टीचर्स के ही वर्ड्स है जिन्होंने हमें इंस्पायर किया और हमें इतना मोटिवेट किया और हमें इतना सपोर्ट दिया कि हम वो दोनों पेपर दे पाए, और थैंकफुली हमने दोनों किए, तो इसके लिए थैंक यू। एक ओपन रिलेशन होना भी बहुत जरूरी है। जैसे मुझे याद है जब क्लास में बैठता था तो सुनील सर मोस्टली जोक्स मुझ पे ही बनाते थे। एक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का चैप्टर था, उसमें टैक्सी वाला मैं बनता था, ट्रक ड्राइवर मैं बनता था, उठाना जो रखना वापस कर रखना वो सारा काम मैं ही करता था।
एक बार जसप्रीत सर ने मुझे इंश्योरेंस पे तो पैसे इकट्ठा करते ना लोगों से, वो मुझे ही बनवाया था जो मिडिल मैन था, तो उसमें बहुत मजा आता था, पढ़ना भी एक अच्छा लगता था फिर। साथ में एक आस्टिल रिमेम्बर, जब हमारी क्लासेस चल रही थी उन्हीं दिन में आईफोन एक्स लॉन्च हुआ था, एंड ही हैड आईफोन एक्स द वेरी फर्स्ट डे इट वाज लॉन्च इफ आई एम नॉट रॉन्ग पार्थ। तो ही केम कि सर मैंने आईफोन एक्स लिया है एंड आई वाज वेरी हैप्पी फॉर दैट। और फिर उन दिनों में हम लोग जीएसटी के अंदर आईटीसी का चैप्टर कर रहे थे, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो मैंने कहा पार्थ इसके आपने आईटीसी इसका बिल लिया? कहते हाँ सर बिल्कुल बिल लिया, पापा के नाम पे बिल लिया, उसका आईटीसी भी क्लेम किया हम लोगों ने। एंड इफ यू कैन रिकॉल हम लोगों ने वो बिल पूरा क्लास के अंदर दिखाया था एंड हम लोगों ने वो उसके हिसाब से फिर वो आईटीसी के प्रोविजंस को भी डिस्कस किया था। दिस काइंड ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर इट हेल्प्स अ लॉट, इट हेल्प्स अ लॉट। क्लासरूम कोचिंग में इंटरेक्शन हो जाता है, सैटेलाइट क्लासेस में शायद ये थोड़ा सा मिस होता है, बट स्टिल वी कैन कोप अप इट। इसको हम लोग गैप को या वैक्यूम को फिलअप कर सकते हैं कॉल्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जो कि व्हाट आई फाइंड नाउडेज इज सीरियसली मिसिंग। और क्योंकि वो मिसिंग है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में वो काबिलियत होती है जहाँ पे वो कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते। आप तीनों से एक और बात, सिंगल ग्रुप डबल ग्रुप, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। लेट मी टेल यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देयर इज अ वेरी स्टिफ कॉम्पिटिशन बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज, एसआरसीसी कॉलेज एंड देन हंसराज। एंड दिस टाइम अराउंड हंसराज हैज टेकन अ बिग लीड, एसआरसीसी वाले थोड़ा सा पीछे रह गए। बट लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि एसआरसीसी में काबिलियत नहीं है। आई हैव अ स्टूडेंट, आई वोंट नेम, मैं नाम नहीं लूंगा अदरवाइज शील गेट ट्रोल्ड लाइक एनीथिंग। शी इज फ्रॉम एसआरसीसी कॉलेज एंड शी हैज अ कंबाइंड स्कोर ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू विच इज बेटर देन द स्कोर ऑफ पार्थ। पार्थ अगेन आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम यू, बट उनका स्कोर पार्थ से ज्यादा है लेकिन उनका रैंक नहीं है क्योंकि उन्होंने दोनों ग्रुप एक ही करके दिए थे। एंड उनको भी मैंने समझाया था कि अपना एक नवंबर का एग्जाम स्किप कर दो, मई का एग्जाम दे दो। वो शायद उनको वो कंफर्टेबल नहीं लगा, इन लोगों को कहा, इन लोगों को कंफर्टेबल लगा, इन्होंने मई का एग्जाम दिया, नवंबर का एग्जाम स्किप करके। ये दो क्वेश्चंस, क्या एक ग्रुप देना चाहिए, दोनों ग्रुप देने चाहिए? और दूसरा, अगर दोनों ग्रुप देना है और एक अटेम्प्ट स्किप भी करना पड़ता है तो उसमें क्या कोई हमें नुकसान हो जाता बहुत ज्यादा? मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि हमेशा बोथ ग्रुप्स के लिए ही एम करो, जैसे सर हमेशा कहते थे, अगर आप रैंक के लिए एम करोगे डेफिनेटली पास हो जाओगे, रैंक एक बोनस हो जाएगा, सर हमेशा ये बोलते थे। तो मैं सबको यही कहूंगी बोथ ग्रुप देने में ही फायदा है, और अगर एक अटेम्प्ट छूट जाएगा तो वो बेटर है कि अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में रैंक ला पाओ, एटलीस्ट एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आप गेन कर पाओगे। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी बोथ ग्रुप्स ही दो। मेरा सजेशन तो ये रहेगा बोथ ग्रुप्स, बिकॉज बोथ ग्रुप्स में आपका मतलब हाँ मतलब बोथ ग्रुप्स में एक तो रैंक आ जाती है, उसका एडवांटेज है ही, प्लस एक ग्रुप में ना कोई बात बन जाती है आपको, पहले छह महीने आप एक ग्रुप पढ़ो, फिर दूसरे छह महीने दो बोथ ग्रुप पढ़ो, इससे बड़े 100% एक साथ ही पढ़ लो और फिर दोनों ग्रुप एक साथ दे दो। तो हाँ मतलब मैं तो बोथ ग्रुप के साथ ही। एक्चुअली सर अभी अभी अपने टीचर गाइडेंस की बात की कि कैसा होना चाहिए, सर अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने ही मुझे गाइड किया कि दोनों ग्रुप के लिए जाओ, आज तक मैं कंफ्यूजन में थी लेकिन अब बहुत क्लियर हो गया, एक अटेम्प्ट को स्किप करके बोथ ग्रुप ही दूंगी। सर फर्दर मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, जो जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एक अटेम्प्ट स्किप करने पर, मतलब आई डोंट नो व्हाई दे थिंक सो, मेरा एक सिंपल सा फंडा रहता है, जो भी रेगुलर कॉलेज के बच्चे हैं जनरली वो स्टार्टिंग से ही अपना स्टार्ट कर लेते हैं सीपीटी फाउंडेशन वगैरह क्लियर करके, अगर वो एक अटेम्प्ट स्किप भी कर देंगे दैट डजंट मैटर, बिकॉज अल्टीमेटली देयर आर्टिकलशिप स्टार्ट्स वंस देयर कॉलेज गेट्स कंप्लीटेड, सो उसमें कुछ नहीं मैटर करेगा एक अटेम्प्ट में, बस उनका थोड़ा सा ड्यूरेशन आगे एक्सटेंड होता है, बट अल्टीमेटली जैसे पार्थ एंड दीपा आर इन फिफ्थ सेमेस्टर राइट नाउ थर्ड ईयर, सो अभी इनको एक साल वेट करना है टिल देयर आर्टिकलशिप स्टार्ट्स, सो इन द मीन टाइम अब ये एक साल पूरा कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, धूम मचा देनी है, कहीं कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ इन्होंने करना है राइट। हाँ नहीं अब फर्दर जैसा कि अब हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अब इनका काम रह गया इनको सीवी अपना और स्ट्रॉन्ग करना है और मजबूत करना है ताकि इन्हें कहीं भी आगे कोई दिक्कत ना आए, सो दैट अभी जितनी भी कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है जो उन्होंने मिस करी थी अपने फिलहाल लास्ट एक ईयर में, जो जितना इन्होंने टाइम स्टडी में लगाया अब उसको कोप अप करने का टाइम है, उसको अपना मैनेज करो, अपना पूरा करो। मेरे को याद है लास्ट अटेम्प्ट अगेन हंसराज कॉलेज यशवर्धन गोयल 40th रैंक AIR
सेम उसके साथ भी था, उसको भी हमने यही गाइड करा था एंड वो भी सेम है। अमन माथुर लास्ट टाइम 43rd रैंक अगेन फ्रॉम हंसराज, आई डोंट नो मतलब हम तो अब सारे नाम हंसराज वाले याद आ रहे हैं। एंड देयर वर सो मेनी अर्लियर, देयर वर सलोनी बंसल फ्रॉम एसआरसीसी आल्सो, शी हैज आल्सो स्कोर्ड रैंक, सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। और हर बच्चा इस टाइम लास्ट में आके ही बोलता है सर थैंक यू आपने सही गाइड करा, और अब हमें सही में लग रहा है कि अब एक साल वी हैव टू वर्क हार्ड ऑन अवर सीवी, ऑन अवर प्रेजेंटेशन स्किल, जो भी हमारा छोटा मोटा, और पूरी मस्ती जितना मिस करा कॉलेज को उतना पूरा मस्ती यहाँ पे कवर करनी है एंड देन सीरियसनेस अगेन विद आर्टिकलशिप। अच्छा ये छोरे के जो सब्जेक्ट्स हैं खासतौर पे लॉ है, ऑडिट है, आईटीएसएम है, आपने इनको कैसे प्रिपेयर किया, इनके भी कोई आपने हैंड नोट्स बनाए, आप क्या किया? मतलब मैं अपने आई वॉन्ट पुट माई वर्ड्स इन टू योर माउथ बट आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम योर साइड, हाउ डिड यू गो अबाउट इट? कोई आपने क्लासरूम क्लासेस करी हैं, सेटेड क्लासेस करी हैं, पेन ड्राइव क्लासेस करी हैं टू हैव अ टाइम मैनेजमेंट, हैंड नोट्स बनाए, क्या किया क्या नहीं किया? आई एम नॉट पुटिंग माई वर्ड्स इन टू देयर माउथ बट देन आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद देम। आपने ये जो तीन छोरी के पेपर है इनको आपने कैसे मैनेज किया? मैंने लॉ और आईटीएसएम सेल्फ किया था, ऐसा नहीं है कि सेल्फ नहीं हो सकता है, बल्कि आपका टाइम सेव होता है बिकॉज बीइंग अ रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट हर कोचिंग अटेंड करना प्रैक्टिकल नहीं था। ऑडिट का मैंने कोचिंग क्लास लिया था, पेन ड्राइव क्लास लिया था जो बहुत हेल्पफुल रहा है, और मैंने जैसे पहले भी आपको थ्योरी सब्जेक्ट के लिए सजेस्ट किया था आप हैंड रिटन नोट जरूर बनाए, एक बार बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा बट एंड में सीरियसली वो वर्थ इट प्रूव होगा बिकॉज मैंने भी हैंड रिटन नोट्स बनाए थे और वो बहुत हेल्पफुल थे क्योंकि मैं उन हैंड रिटन नोट्स को 15 नहीं तो लाइक हर 20 डेज बाद एक बार गो थ्रू करती थी ताकि जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमेशा फ्रेश रहे। और मेमोराइज करना इससे बहुत ईजिली हो जाता है बिकॉज अपने हाथ से आप जब खुद लिखते हो तो भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैंने थ्योरी सब्जेक्ट्स में सबके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए थे और थ्योरी सब्जेक्ट्स में प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है, लाइक एसएम में आप डायग्राम्स बना सकते हैं, उससे भी प्रेजेंटेशन बहुत इंप्रूव होता है। तो मैं बोलूंगी आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स में हैंड रिटन नोट्स के साथ प्रेजेंटेशन को भी इम्प्रूव करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि कॉलेज कैसे हेल्पफुल है, मेरे लिए तो लॉ में कॉलेज ही हेल्पफुल रहा है क्योंकि 70% ऑफ द सिलेबस ऑफ बीकॉम प्रोग्रामिंग एंड सीए फाउंडेशंस लॉ वाज सेम, एब्सोल्युटली सेम, तो वहां से हेल्प मिली। मैंने लॉ को सबसे ज्यादा बार रिवाइज किया क्योंकि लॉ की जो लैंग्वेज रहती है वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज से थोड़ी सी डिफरेंट रहती है और उस पर थोड़ी ग्रिप डालने में टाइम लगता है, और बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स बनाए पिक्टोरियली उन चीजों को कॉपी पे हाथ से करके देखें ताकि अच्छे से एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरे पास सिर्फ लॉ ही था, थ्योरी में सबसे ज्यादा बेसिकली मेरे पास बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं वो बेसिकली लॉ के लिए ही पूछ रहे हैं हाउ टू प्रेजेंट इन द थ्योरी एग्जाम, तो इसलिए हैंड रिटन नोट्स बनाए ताकि वहां पे लिखते हुए आप थोड़ा स्पीडली लिख पाए क्योंकि एग्जाम लेंथी होता है, हम अगर पूरा नहीं हो पा रहे तो थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं, कई बार पेपर छोड़ के भी आ जाते हैं। सब्जेक्टिव पेपर को कोशिश करें 100% पूरा करने की क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्क है। यहाँ पर कॉलेज का एग्जाम्पल दूंगा, जैसे मेरे कॉलेज में भी लॉ था, मतलब कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ दोनों था, तो मुझे लॉ की कोचिंग लेने की जरूरत पड़ी ही नहीं फिर उसके कारण, प्लस प्रेजेंटेशन स्किल्स कॉलेज भी पता चल गई थी, प्लस नोट्स, अब नोट्स का जो इंपॉर्टेंस है वो मतलब अंडर वैल्यू आप कहीं नहीं सकते, इसके एक तो आपके राइटिंग स्पीड इंक्रीज होती है, प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है, और लास्ट का वन डे में आपका टाइम बचता है क्योंकि आप पूरी बुक पढ़ ही नहीं सकते, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लास्ट के एक दिन में अपने नोट्स से पढ़ सकते हो, तो अपने नोट्स उनको रिवाइज करना एंड उनसे प्रेजेंटेशन सीखना, और आईसीआई का पीएम के आंसर जरूर देखना क्योंकि उससे आपको प्रेजेंटेशन पता चलता है कि आईसीआई आपसे कैसे प्रेजेंटेशन मांग रहा है, तो आईसीआई का सारा मटेरियल करना, दैट्स ऑल आई वुड से। प्लस आप हर एक चीज सट्टा नहीं मार सकते, तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे फोकस करना, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उस पर फोकस करना और वो वर्ड्स रिप्रोड्यूस करना पेपर में, वो चीज बहुत जरूरी है। तो दैट्स ऑल आई वुड से इज द की टू सक्सेस फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। चलो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू स्वाति, टू दीपा एंड टू पार्थ हू हैव टेकन अ टाइम आउट फॉर वी पीपल एंड फॉर यू पीपल एज वेल, जहाँ पे इन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपनी सारी बातों को प्रेजेंट किया है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो, आपको अपने हाथ से मेहनत करनी है, जब तक अपने हाथ से आप मेहनत नहीं करेंगे उससे कोई क्लासरूम कोचिंग्स का या अदरवाइज कोई भी कोचिंग्स का बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है। आप जितना ज़्यादा अपने हाथ से लिखेंगे उतना ज़्यादा आप इसके अंदर अपने एग्जाम में पास होने की और रैंक स्कोर करने की प्रॉबिलिटीज को आप इंक्रीज कर सकेंगे। एंड thank you everybody for this and Sunil sir, token of love and appreciation from our side for all these three students.
वी हैव दीपा, देन वी हैव स्वाति, एंड देन आई विल प्रेजेंट वन ऑफ द ट्रॉफीज फ्रॉम माय साइड टू पार्थ. पार्थ वेरी वेल डन बेटा, हार्टियस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू योर पेरेंट्स एज वेल. और वी टेक ऑफ एंड हैव अ गुड फ्यूचर अहेड ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल थ्री ऑफ यू. एक बार सर क्लोजिंग वर्ड्स फ्रॉम योर साइड एंड फ्रॉम ऑल थ्री. सर क्लोजिंग वर्ड्स आई वुड से जस्ट इन अ सिंगल लाइन, एज यू हैव टोल्ड अर्लियर, माई लोगो और माई फंडा इज ऑलवेज लाइक हार्ड वे इज द ओनली वे एंड द इजिएस्ट वे. दैट इज वॉट आई से, हार्ड वे इज द ओनली वे एंड द इजिएस्ट वे. इनिशियली यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट ऑब्वियसली, बट लेटर ऑन यू विल फाइंड दैट इट वॉज द ओनली वे एंड द इजिएस्ट वे. मैं ये बोलूंगी कि बहुत कॉल्स आ रहे हैं कि बच्चे बोल रहे हैं कि हमें बहुत बच्चे बोल रहे हैं हमें बहुत डर लग रहा है, हमारी कोचिंग सब अच्छी हुई है लेकिन हमें हिम्मत ही नहीं हो रही है पेपर लिखने के लिए. तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी, आपने अगर इतनी मेहनत की है तो आपको एट द एंड डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद में बिलीव करना है और आप भी अच्छे से कर सकते हैं. तो ऑल द बेस्ट. लास्टली आई विल से कि किसी चीज को फोकस बनाओ कि आपको अगर आप अच्छा करते हो तो पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी, उस चीज को सोचो. अगर आप डाउन हो रहे हो तो कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में एज अ रोल मॉडल मैटर करता है उसके बारे में सोचो, तो आप कभी भी डाउन नहीं हो गए, आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी. तो एट लास्ट वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल द जूनियर्स. आई फुली अग्री विद सर कि हार्ड वर्क इज द ओनली वे, बिकॉज हार्ड वर्क से अच्छा कुछ है ही नहीं. प्लस अब जब लास्ट में जो स्टूडेंट्स डिमोटिवेट होते हैं मैं उनको ये बोलूंगा कि आप लास्ट में ये सोचो दैट यू हैव कम वे टू लॉन्ग टू क्विट नाउ. सो अब क्विटिंग का एग्जांपल है ही नहीं, अब तो एंथुसियास्टिकली ओपन माइंडेडली पेपर दीजिए, अच्छा ही होगा. एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर. ऑल द बेस्ट फॉर यू. बाय बाय.